ऐसे नेता जो फिलहाल जेल में है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उनकी पत्नियां जो हैं उनके बिहाफ में चुनाव लड़ सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी पत्नी जो है वो चुनाव लड़ सकती है या फिर उनके कुर्सी पर बैठ सकती है। चेहरों को जानेंगे, उन पत्नियों को जानेंगे जिन्होंने उनके पति के जेल में जाने के बाद सियासी बागडोर संभाली। नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका मुद्दा देश का में। और आज हम बात करने वाले हैं उन पत्नियों की जिनके पति जेल में हैं। जी हां, ऐसे नेता जो फिलहाल जेल में है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उनकी पत्नियां जो हैं उनके बिहाफ में चुनाव लड़ सकती है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं होगा, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि नेता जेल में है, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। शुरुआत इसलिए क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी पत्नी जो है वो चुनाव लड़ सकती है या फिर उनके कुर्सी पर बैठ सकती है। क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकती हैं, ऐसे कयास हैं। फिलहाल आगे पार्टी क्या फैसला लेती है तो पार्टी के हित में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज हम उन चेहरों को जानेंगे, उन पत्नियों को जानेंगे जिन्होंने उनके पति के जेल में जाने के बाद सियासी बागडोर संभाली है। सबसे पहले शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री से कर लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में 3 घंटे की लंबी बहस के बाद उन्हें 6 दिनों के लिए ईडी रिमांड पर भेज दिया गया। केजरीवाल को 28 मार्च गुरुवार को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि जो भी केजरीवाल से पूछताछ की जाएगी वो पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ही होगी, साथ ही पूरी फुटेज को सुरक्षित रखा जाएगा। इसके साथ ही केजरीवाल को उनके वकील मोहम्मद इरशाद और विवेक जैन से मिलने की इजाजत दी गई, जिसके लिए शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा उन्हें हर रोज आधे घंटे के लिए अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल और निजी सचिव विभव कुमार से मिलने की इजाजत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की खराब सेहत को देखते हुए ईडी को आदेश दिया है कि वो डॉक्टर्स द्वारा सुझाई गई डाइट उन्हें मुहैया कराए और अगर ऐसा नहीं होता तो केजरीवाल को घर का खाना खाने की इजाजत होगी। दरअसल दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी का कहना है कि पार्टी चुनाव आयोग से शिकायत करेंगी कि लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी पार्टी के ऑफिस को बंद किया जा रहा है। आप मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि वो कांग्रेस वाम दलों के सभी नेताओं और सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं जो इंडिया गठबंधन और अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। देखिए, देश में चुनाव को बचाने के लिए ये लोग खड़े हुए हैं, इनका ये कहना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के मंत्री आतिशी समेत कई आप नेता धरने पर बैठे हुए नजर आए थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बीजेपी पर बड़ा हमला भी नजर आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी भारत में तानाशाही लाना चाहती है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो वो सरकार नहीं चलने दे रही है। मान ने यह भी कहा कि एलजी को सारी शक्तियां दे दी हैं, अंबेडकर का संविधान खतरे में है। लेटर में केजरीवाल ने जनता से कहा है कि उनके शरीर का एक एक कण देश के लिए है। ये पूरा अपडेट मैं आपको बता रही हूँ कि अब आम आदमी पार्टी में किस तरह की खलबली मची हुई है और क्या कुछ अपडेट है। जेल से सीएम केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा है कि वो सभी आप कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं कि देश सेवा में लगे रहें और बीजेपी वालों से नफरत ना करें। सुनीता केजरीवाल ने ये लेटर पढ़ा है, सीएम केजरीवाल का जेल से जनता को भेजा गया संदेश उन्होंने पढ़ा। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि केजरीवाल लोहे की तरह मजबूत है, उनकी जिंदगी का हर पल देश के लिए समर्पित है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि शरद ने केजरीवाल को लेकर बयान दिया तब उन्हें जमानत मिली है। आपने कहा कि शराब कारोबारियों का पैसा बीजेपी के खाते में गया है, ऐसे में ईडी को बीजेपी को आरोपी बनाना चाहिए था। आम आदमी पार्टी ने कहा कि शरद रेड्डी ने इलेक्ट्रोलर बॉन्ड के जरिए बीजेपी को पैसा दिया, गिरफ्तारी के बाद उन्होंने 55 करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिए हैं। आप नेता आतिशी ने कहा है बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कि शरद रेड्डी कई महीने से जेल में रहे, उन्होंने दबाव के बाद अपना बयान बदला। आज तक आपके किसी भी नेता ने 1 रुपये का मनी ट्रेल नहीं मिला है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आपके नेता आतिशी कहती हुई नजर आ रही है कि सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी व्यक्ति के बयान पर है। दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले में सीबीआई ईडी की जांच चल रही है। बार बार कोर्ट में सवाल उठा है कि मनी ट्रेल कहाँ है, शराब कारोबारियों को मुनाफा पहुंचा तो उन्होंने किसको रिश्वत दी।
आम आदमी पार्टी 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली थी। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी का दावा है कि पार्टी आपका नीति मामले में कथित घोटाले से जुड़े मनी ट्रेलर को लेकर एक बड़ा खुलासा भी कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें लगातार निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि उनकी पत्नी जो है वो उस सीट पर बैठ सकती है, यानी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बन सकती है। लेकिन पार्टी क्या तय करेगी, क्या जेल से ही सरकार चलेगी, क्योंकि इस तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं, या फिर कोई और चेहरा होगा। तो आइए इसी कड़ी में आगे आपको बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनके पति जेल में हैं और वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। देश में बड़े नेताओं के जेल जाने के बाद उनकी पत्नियों का सियासी जंग में आना नई बात तो नहीं है। इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में कई ऐसी राजनेताओं की पत्नियां हैं जो अपने पति की सियासी विरासत को बचाने के लिए मैदान में आने की तैयारी कर रही है। इनके तीन नाम प्रमुख हैं, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता और धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला। तीनों के पति अलग अलग मामलों में गिरफ्तार हुए हैं और लोकसभा चुनाव तक इनके बाहर आने की संभावनाएं बहुत ही कम है। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि ये तीनों ही अपने पति के सियासी मैदान को बचाने के लिए फ्रंटफुट से खेल सकती हैं। दिलचस्प बात यह है कि जेल में बंद ये तीनों ही नेता सत्ताधारी बीजेपी के विरोधी खेमे के हैं। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, दरअसल झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जमीनी घोटाले के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्त में है। न्यायिक हिरासत के तहत उन्हें रांची जेल में रखा गया है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन राजनीति में सक्रिय हो गई हैं। मुंबई में हाल ही में इंडिया गठबंधन की रैली हुई थी जिसे कल्पना सोरेन ने जेएमएम की तरफ से संबोधित किया था। जमीन पर भी कल्पना काफी सक्रिय है और संथाल परगना में घूम घूम कर लोगों से जन समर्थन जुटा रही है। जेएम सूत्रों के मुताबिक कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ाने की भी तैयारी पार्टी के भीतर हो रही है। कल्पना गाइडे सीट से उपचुनाव लड़ सकती हैं। ये सीट हेमंत सोरेन ने जेल जाने से पहले खाली करवा दी थी। कल्पना को आगे लाने के पीछे का मुख्य मकसद संथाल परगना में जेएमएम वोटर्स को इमोशनली साधना है। कल्पना के भाषण की स्क्रिप्ट भी हेमंत के जेल जाने के इर्द गिर्द ही रहती है। कल्पना और हेमंत सोरेन की शादी साल 2006 में हुई थी। वे मूल रूप से ओडिशा के मयूरभंज जिले की रहने वाली हैं। सक्रिय राजनीति में आने से पहले कल्पना एक प्ले स्कूल चलाती थी। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी, उत्तर प्रदेश के जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह अभी जेल में बंद हैं। चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले ही उन्हें अपहरण के एक मामले में दोषी पाया गया था। उन्हें 7 साल की सजा मिली है। धनंजय इस बार भी जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। हालांकि जेल जाने और सजा मिलने की वजह से उनके अरमानों पर पानी फिर गया है। जौनपुर से अब उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी के चुनाव लड़ने की चर्चा है। श्रीकला अभी जौनपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष भी हैं। धनंजय और श्रीकला की शादी साल 2017 में हुई थी। श्रीकला को लेकर जौनपुर से लखनऊ तक दो तरह की चर्चा है। धनंजय सिंह के सिंपैथी वोट को हासिल करने के लिए श्रीकला रेड्डी को समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है। सपा और बीएसपी से टिकट नहीं मिलने पर श्रीकला रेड्डी निर्दलीय लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकती हैं। जौनपुर ठाकुर बाहुल्य सीट है जहां पर 2009 में धनंजय सिंह ने जीत हासिल की थी। 2014 चुनाव में धनंजय सिंह को जौनपुर सीट से 65,000 वोट मिले थे और 2022 में धनंजय जौनपुर के मल्हनी सीट से उम्मीदवार थे जब उन्हें करीब 80,000 वोट मिले थे। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद अरविंद को कोर्ट ने 6 दिनों के लिए कस्टडी में भेज दिया। चुनाव के बीच केजरीवाल की गिरफ्तारी ने आम आदमी पार्टी को सख्ते में ला दिया। केजरीवाल अगर लंबे वक्त तक ईडी की गिरफ्त में रहते हैं तो उनकी पत्नी पार्टी के लिए कैंपेन कर सकती हैं। केजरीवाल की नई दिल्ली सीट पर पिछली बार भी सुनीता ने कैंपेन किया था। इतना ही नहीं, अरविंद को जब ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया तो सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सुनीता ने केंद्र को निशाने पर लिया। इसके अलावा सुनीता ने जेल में बंद अरविंद केजरीवाल का संदेश भी देशवासियों के लिए पढ़ा। सुनीता और अरविंद केजरीवाल की शादी 1994 में हुई थी। सुनीता भी IRS अधिकारी रही हैं, हालांकि अब वो VRS लेकर परिवार संभाल रही हैं। पत्नियों का फ्रंट फुट पर खेलना सबसे मुफीद, इसको समझना जरूरी है। देखिए, जेल में बंद पति के लिए पत्नियों का मैदान में कूदना सियासी मायने में सबसे मुफीद माना जाता है। इसकी बड़ी वजह सिंपैथी वोटर्स होते हैं। बिहार में लालू यादव, यूपी में गायत्री प्रजापति और आजम खान जैसे कई परिवार को पत्नी की कमान संभालने का फायदा मिल चुका है। पत्नियों के सियासी मैदान में कूदने से राजनेताओं की सियासी विरासत पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ता। विरासत में सेंधमारी का भी डर नहीं रहता है। तो इसी वजह से हो सकता है कि आने वाले समय में ये बड़ी चेहरे जो हैं अब अपने पति के बिहाफ पे चुनाव लड़ सकती हैं। अब देखना यह है कि क्या वो सिंपैथी वोट इन्हें मिल पाता है।